हेलो हेलो सानिया, मैं रोनित बोल रहा हूँ। यस, ईशा को फोन दो। ईशा नहीं है घर पे, एंड आई डोंट थिंक यू शुड कॉल हियर। ईशा, फोन उठाओ और सच्चाई का सामना करो। हेलो हेलो ईशा, लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो। रोनित, प्लीज चेक दिस गेस्ट लिस्ट। दुनिया के 100 वीवीआईपीस को बुलाया है। सोमवार के दिन दो बड़ी कंपनियों का मर्जर होगा, दो बड़े घरानों के बच्चों की सगाई होगी और उसी दिन शादी की डेट पक्की की जाएगी। मल्होत्रा एंड राय, जो टॉप 10 में है, नंबर 2 पर आ जाएंगे। रोनित, अरे हाँ, ये रही तुम्हारी एंगेजमेंट रिंग, जरा देखना तुम्हारी उंगली में फिट है कि नहीं। आओ ना बेटा। बेटा मत कहिए मैडम। रोनित, माँ हूं मैं तुम्हारी। सॉरी मैम, पर आप मेरी माँ नहीं। नहीं, आप मेरी माँ। आपको तो इतना भी नहीं पता कि आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है, उसके हाथ, उसकी उंगलियां कितनी बड़ी हो गई हैं, क्योंकि आप तो वो मां हैं जो अपनी बेटी की उंगलियां पकड़कर कभी चली ही नहीं। रोनित, अपने बेटे को कभी नजदीक से देखा ही नहीं, उसे अपने सीने से लगाकर, उसकी आंखों में झांककर उसके दर्द को कभी समझा ही नहीं। आप मां हैं ही नहीं, सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इस मार्केटप्लेस की, जहां रिश्तों को, दर्द को एक मजाक समझा जाता है। नहीं रहना मुझे यहां, नहीं रहना मुझे यहां, जहां मां नहीं, जहां बाप नहीं। बेटा मत कहो मुझे बेटा, मत कहो मुझे बेटा। मैं तुम्हारी मां हूं बेटा। मां हो तो बचा लो मुझे, बचा लो अपने बेटे को, बचा लो मुझे उस आग से जो आपके परिवार वाले मेरे चारों तरफ लगाना चाहते हैं। बचा सकती हो? नहीं बचा सकती, नहीं बचा सकती। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। चालीस साल तक अपना खून पसीना, दिल दिमाग और शरीर दिया है मैंने मेलोस कंपनी को बड़ा करने के लिए। मल्होत्रा खानदान को टॉप 10 पर लेकर आया हूं मैं। अब तुम लोग क्या चाहते हो? बरसों से बढ़ता हुआ बिजनेस खाक में मिल जाए, ये घर आशिकों की इमारत बन जाए? ये बिजनेस हाउस है और बिजनेस हाउस ही रहेगा। अगर किसी ने भी मेरी इज्जत पर हाथ डाला या मेरे रास्ते में रुकावट डाली तो मैं उसे गोली मार दूंगा और खुद को भी खत्म कर लूंगा। किसी ने भी रौनक की तरफदारी की तो वो मेरी मौत का जिम्मेदार होगा। सुन रहे हो ना तुम सब लोग? सुन रहे हो? Excuse me, sir. You're not supposed to leave the premises. देखो रोनित, मुझे ईशा से मिलना है। रोनित,
जाओ जाओ मिलो उससे, खून बह रहा है उसका, ही इज ब्लीडिंग। हाँ बोलो, क्या कहना चाहते हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? दुनिया के फैसले से पहले मुझे तुम्हारा फैसला सुनना है ईशा, कि तुम मेरे साथ हो या नहीं। रोनित, आज हमें फैसला करना होगा ईशा, जिंदगी या मौत। मौत? हाँ मौत। नहीं, रोनित को वापस लाना होगा। रोनित को कल के फंक्शन पर सिर्फ एक ही आदमी बुला सकता है। कौन? राज, सिर्फ राज। नेवर, नेवर। 5,000 करोड़ की कंपनी को बचाने के लिए आपको अपना घमंड तोड़कर राज के सामने भीख मांगनी होगी। शायद यस। मौके की नजाकत समझने की कोशिश कीजिए भाई साहब, मैं वहां पर आपको सिर्फ मेरे साथ चलने के लिए कह रही हूं। राज से बात मैं करूंगी, आप सिर्फ खामोश रहिए। ये यादें किसी दिलो जानम के चले जाने के बाद आती हैं। There's a lady waiting for you outside. Yeah, thank you. Hello, hello. Go ahead. Raj. Bobby. Raj, Ronit घर छोड़कर चला गया है। हाँ? भाग गया? शायद। कहाँ भाग गया? Oh. भाग गया अरे भाग गया, ये तो होना ही था। कहो ना सेठ जी से कि अपने 500 मिलियन पाउंड की कंपनी को बुलाएं और अपनी औलाद को ढूंढ कर लाएं। लाए लाए, अरे नहीं ला सकता है। चलो राज, अंदर चल के बात करते हैं। भाभी, हम उनके माँ बाप हैं, सिर्फ माँ बाप, गार्डियंस, हुकूमत नहीं है। वो प्रेमी हैं, लवर्स हैं, प्यार करते हैं। वो प्रेमी उड़ गए हैं भाभी, उड़ गए, उड़ गए। वाह मेरे दोस्त, अगर बेटे के बाप के नाते मैं पुलिस में कंप्लेन करूं तो तुम्हें जेल भी हो सकती है, मालूम है ना? बिल्कुल यही इरादा है मेरा, ताकि हमारी मोहब्बत का फैसला जो घरवाले ना कर सके वो दुनिया कर दे। आज शाम को 5 बजे सारी दुनिया के सामने मुनिष्का और तुम्हारी सगाई की ऑफिशियल अनाउंसमेंट है। 2 कंपनियों के मिलन के पेपर साइन होंगे बेटे। आज तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा अंकल राज। अगर मैं कहूं तो भी नहीं। हेलो, ओह, तुम्हारी माँ का फोन है। हेलो,